ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मानव पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र। देखो, जितना भी ह्यूमन से रिलेटेड ऑर्गेन सिस्टम आप लोगों को पढ़ाएंगे वो सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा और उससे परीक्षा में खूब प्रश्न पूछता है। तो ह्यूमन वाला जितना भी ऑर्गेन सिस्टम है, थोड़ा सा प्लांट को कम भी पढ़ेंगे, एमीबा नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन ह्यूमन वाला जितना भी फैक्ट रहेगा उसको आपको ढंग से याद कर लेना है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वो आपका पाचन तंत्र हो, श्वसन तंत्र हो, परिवहन तंत्र हो, उत्सर्जन हो, कंकाल तंत्र हो, हार्मोन हो, मेनली यही सब कुछ चैप्टर है जिसको ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? तो सबसे पहले ह्यूमन के बारे में हम लोग जानते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन की दृष्टि से, पोषण के प्रकार की दृष्टि से मनुष्य कैसा है, परजीवी है, परपोषी है कि समपोषी है या सहजीवी है? सहजीवी है, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन था उसका तीन तरह लिखवाए थे ना, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक और होलोजोइक। तो मनुष्य क्या है? होलोजोइक है, ठीक है। और होलोजोइक जो होता है वो कई सारे जीवों के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहता है, उसके बावजूद भी किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, इसी को बोलते हैं सहजीविता। म्यूचुअल फ्रेंड किसको बोला जाता है? दो दोस्त का एक कॉमन फ्रेंड। अब वो बीच का मुखिया तो रहेगा नहीं, माने किसी को हानि तो पहुंचाएगा नहीं, बात अलग है कि तिकड़म करके दोस्ती तुड़वा देता है कई बार लेकिन सहजीविता के संबंध में ऐसी बात नहीं है, यहां पर जो होगा वो ठीक रहेगा, ठीक है, एक दूसरे के साथ म्यूचुअल रिलेशन में रहेगा। तो मनुष्य में पोषण कैसा हो जाएगा? सहजीवी, होलोजोइक। मनुष्य में पूछा जाए कि सेल कैसा है, तो यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है? यूकैरियोटिक है। यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर? मल्टीसेलुलर है। तो ये बात आपको मालूम है। तो कुछ इसमें बेसिक पॉइंट है, उसको लिखिएगा। पहला पॉइंट इसका लिखिएगा, ह्यूमंस हैव वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, मनुष्य में पूर्ण विकसित पाचन तंत्र होता है, जिसे आहार नाल कहते हैं, विच इज 30 फीट और 9 मीटर इन लेंथ, जिसकी लंबाई 30 फीट या 9 मीटर होती है, 30 फीट या 9 मीटर होती है, ठीक है। तो मनुष्य जब यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर है, तो जो भी मल्टीसेलुलर जीव होंगे ना, उनके पास अलग अलग ऑर्गेन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑर्गेन सिस्टम होंगे। जैसे अमीबा एक ही सेल का है, तो उस अमीबा के अंदर कोई भी ऑर्गेन सिस्टम नहीं था, एक ही कोशिका से उसको श्वसन भी करना था, परिवहन भी करना था, उत्सर्जन भी करना था, प्रजनन भी करना था, लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। हाईली डेवलप्ड उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, इस कारण से सारे कार्य करने के लिए अलग अलग अंग तंत्र होंगे। तो पाचन के संदर्भ में उसके पास पाचन तंत्र है, वो भी पूर्ण विकसित है, जिसकी लंबाई लगभग आपकी 9 मीटर या 30 फीट की होती है। अब यहां पर पाचन तंत्र लिखा हुआ है, ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम लिखा हुआ है, तो सिस्टम है तो इसमें ढेर सारे ऑर्गन होंगे, सिस्टम है तो ढेर सारे ऑर्गेन होंगे ना। तो कौन कौन से ऑर्गेन है वो लिखिएगा। फॉलोइंग ऑर्गेन्स आर एसोसिएटेड विथ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल।
हिंदी वाले लोग लिखेंगे, मानव पाचन तंत्र से जुड़े, मानव पाचन तंत्र से जुड़े अंग अंग निम्न है। मानव पाचन तंत्र से जुड़े अंग अंग निम्न है, ठीक है। पहला पहला लिखिएगा ओरल कैविटी, ओरल कैविटी। कई जगह इसको बकल कैविटी लिखा हुआ भी आपको मिलेगा, जिसे हिंदी में बोलते हैं मुख गुहा, मुख गुहा। दूसरा लिखना ओसोफेगस, ओसोफेगस। इसको हिंदी में बोलते हैं ग्रास नली। तीसरा लिखिएगा स्टमक, इसे बोलते हैं अमाशय। हो गया। तो मनुष्य के पाचन तंत्र से जुड़े हुए अंगों के बारे में लिखा जा रहा है। पहला है इसमें ओरल कैविटी, जिसे बकल कैविटी भी कहते हैं, माउथ भी कहते हैं, हिंदी में मुख गुहा बोला जाता है, ओसोफेगस जिसको ग्रास नली कहा जाता है, स्टमक जिसको क्या बोलते हैं अमाशय बोलते हैं। चौथा लिखिएगा अच्छा चलो एक बार यहां शुरू से फिर से देख लो। मनुष्य के पास क्या है, पूर्ण विकसित पाचन तंत्र है, ठीक है, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब पाचन तंत्र, जिसे क्या कहा जाता है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। पाचन तंत्र को ही क्या कहते हैं, आहार नाल भी कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल और पाचन तंत्र एक ही है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है इसकी लंबाई सबसे पहले लिखे हैं, सारे जीवों में यह अलग अलग लंबाई का हो सकता है। तो मनुष्य में जो है वो 30 फीट का है या फिर 9 मीटर का है। अब यह आहार नाल है तो इसके साथ जुड़े हुए अंगों की चर्चा की गई है। पहला अंग इसमें कौन सा है, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी, हिंदी में इसको बोलते हैं मुख गुहा। दूसरा है ओसोफेगस जिसको ग्रास नली कहा जाता है। कई जगह ओसोफेगस को फूड पाइप भी लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, ओसोफेगस या फिर इसको फूड पाइप भी बोलते हैं। तीसरा इसमें क्या है, स्टमक है जिसको हिंदी में अमाशय बोलते हैं। चौथा लिखिएगा, चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको बोलते हैं छोटी आंत, छोटी आंत। पांचवा लार्ज इंटेस्टाइन, इसको बोलते हैं हम लोग बड़ी आंत। छठा होता है रेक्टम, इसको बोलते हैं मलाशय। और सातवां एनस, इसको बोलते हैं मल द्वार। और आठवां लिख लो, ऐसे जरूरी नहीं है यह, फिर भी लिख लीजिए अपेंडिक्स। और नौ में लिख लेना डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, हिंदी में इसको बोलते हैं पाचन ग्रंथि। और इस पाचन ग्रंथि में आता है पहला लीवर, जिसको यकृत भी कहा जाता है। दूसरा पैनक्रियाज, इसे अग्नाशय भी कहते हैं। तीसरा गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसको हिंदी में हम लोग जठर ग्रंथि कहते हैं। और चौथा सैलिवरी ग्लैंड, इसे हिंदी में लार ग्रंथि कहा जाता है। और पांचवा इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इसको हिंदी में आंत्र ग्रंथि भी कहते हैं।
छाप लो इसको। आप लोगों को नोट्स भी मिला होगा ना, पीडीएफ अभी नहीं गया है, ग्रुप में गया था ना? कल मिला होगा, ग्रुप में गया होगा आप लोगों के। अभी इंग्लिश वाला नहीं गया है, अभी केवल हिंदी गया है। आप लोगों को चैप्टर वाइज मिलते जाएगा, ठीक है? जैसे जैसे चैप्टर खत्म होगा वैसे मिलते जाएगा। अभी हिंदी वाला मिल जाएगा, इंग्लिश वाला एक कुछ दिन में मिल जाएगा, दो तीन दिन बाद मिल जाएगा। तो पानी आ जाएगा। हो गया, लिख लिए? सबसे लास्ट में है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, आंत्र ग्रंथि। चलिए इसको समझिएगा। देखो जितना भी अंग हम लोगों के पाचन तंत्र में है, इसको डायग्राम से हम लोग देखेंगे अभी, जितना भी अंग पाचन तंत्र में है वो सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। पहला क्या था, पहला ऑर्गेनल बताइए क्या था? ओरल कैविटी। दूसरा क्या था बोलिए? अपेंडिक्स, को हिंदी में भी अपेंडिक्स ही कहते हैं। मतलब बहुत सारा टर्म ऐसा है ना जिसको हिंदी इंग्लिश कॉमन है, ठीक है? हाँ तो हाँ, तो पहला क्या था? ओरल कैविटी, जिसको बकल कैविटी भी कहते हैं। दूसरा जो था वो था ओसोफेगस। तीसरा स्टमक। चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, नौवा। डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या क्या है, ठीक है? तो इतने सारे ग्लैंड्स हैं, इनको बोला जाता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड। और इतना सब मिला करके क्या बनता है, मनुष्य का पाचन तंत्र बनता है। तो पूरा सबके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है? सारे जितने भी ऑर्गेन्स का नाम लिखा हुआ है उन सबके बारे में पढ़ना है। शुरू से ही पढ़ा रहे हैं जी, उसमें बहुत आगे नहीं बढ़े हैं, दो मिनट तो हुआ, जितना बोर्ड पर लिखवाए हैं अभी यही पढ़ाए हैं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाए अभी। चलो इतना हो गया। अब इस डायग्राम से इसको देखो, मान लो इस तरीके का पाचन तंत्र है, अब इसको समझना। देखो ये वाला जो हिस्सा है पूरा का पूरा, ये कहां से राइज हो रहा है, तो यहां पर हो गया हम लोगों का माउथ, ठीक है? जिसे मुख गुहा बोलेंगे। तो माउथ जो होता है वह माउथ किसमें ओपन होता है, तो ये वाला जो ट्यूब से स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है ओसोफेगस। इसको बोलते हैं ओसोफेगस, ग्रास नली, ठीक है? तो सब एक दूसरे से जुड़ा है। देखिए माउथ किससे जुड़ा हुआ है, ओसोफेगस से। ओसोफेगस से जुड़ा हुआ है स्टमक से, तो ये वाला हो गया हम लोगों का स्टमक। तो ओसोफेगस खुलेगा स्टमक में। स्टमक किस में खुल रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक जो है वह छोटी आंत में खुल रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन किस में आकर के यहां ओपन हो रहा है, तो ये वाला हिस्सा कहलाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला जो लास्ट का पार्ट है, जहां पर लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो खुल रहा है, तो ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा कहलाएगा रेक्टम, ठीक है? लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट। और ये क्या कहलाएगा, एनस, एनस कहलाएगा। और जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जुड़ रहे हैं इस हिस्से को बोला जाता है अपेंडिक्स। ये हो गया अपेंडिक्स। और यहां हम लोगों के बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेन होता है जिसको क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। और लीवर के बगल में क्या होता है, पैनक्रियाज। एक रफ डायग्राम है, इसको बना लीजिए कॉपी पर फटाफट।
इसका जरूरत पड़ते रहेगा। बस फटाफट खींच लो इस केस टाइप का। लिख लिए हैं। ठीक है, ये फिगर क्लियर है ना सबको? पहला ऑर्गन ऑर्गन क्या हो जाएगा इसमें? माउथ। दूसरा ओसोफेगस। तीसरा स्टमक। चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन। पांचवा लार्ज इंटेस्टाइन। छठा सातवा एनस। आठवा अपेंडिक्स। उसके बाद लीवर और पैनक्रियाज। आगे बढ़े, चलिए हेडिंग बना लीजिएगा ओरल कैविटी। पूरा रुक जाते हैं। चलिए हेडिंग बना लीजिए ओरल कैविटी। ओरल कैविटी इसको बोलते हैं मुख गुहा। ओरल कैविटी मुख गुहा लिखिएगा। यह पाचन तंत्र का प्रवेश द्वार है। हिंदी वाले लोग लिखेंगे इट इज द ओपनिंग गेट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इट इज द ओपनिंग गेट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसमें निम्न अंग होते हैं। इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे फॉलोइंग ऑर्गेन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन माउथ। पहला लिखिएगा लिप्स। हिंदी में इसको बोलते हैं ओस्ट। यह मांसल संरचना, यह मांसल संरचना है। इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे इट इज द मस्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ माउथ।
इट इज द मस्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ माउथ। दूसरा लिखिएगा लिप्स के बाद टीथ, टीथ, टीथ में लिखिएगा मनुष्य का दांत, मनुष्य का दांत कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, बना होता है तथा यहां कुछ कैल्शियम फॉस्फेट के, फॉस्फेट के लवण भी पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे ह्यूमन टीथ इज फॉर्म्ड बाय, ह्यूमन टीथ इज फॉर्म्ड बाय कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। टीथ का ही दूसरा पॉइंट लिखिएगा दांत का ऊपरी भाग, दांत का ऊपरी भाग हल्के पीले रंग का, हल्के पीले रंग का होता है, होता है जिसे, जिसे इनामेल, इनामेल कहते हैं, कहते हैं। ब्रैकेट में लिख लेना स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी। इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे द अपर पार्ट ऑफ टीथ, द अपर पार्ट ऑफ द टीथ इज येलोविश इन कलर, इज येलोविश इन कलर कॉल्ड इनामेल, कॉल्ड इनामेल, कॉल्ड इनामेल। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा दांत के आधार पर, दांत के आधार पर मनुष्य को निम्न नामों से जाना जाता है, जाना जाता है। इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टीथ, ऑन द बेसिस ऑफ टीथ ह्यूमंस आर ऑल्सो कॉल्ड, ह्यूमंस आर ऑल्सो कॉल्ड, पहला, पहला डाइफोडोंट, डाइफोडोंट, दूसरा हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट और तीसरा थीकोडोंट। देखो इसमें डिफोडोंट को हिंदी में बोलते हैं द्विदंती, द्विदंती, हेट्रोडोंट को बोलते हैं विषम दंती, और पता नहीं उसको भी कोनो दंती बोलते होंगे, थीकोडोंट, थीकोडोंट ही याद कर लीजिए। चलिए इतना लिख लिया, पहले पॉइंट्स इसका लिखा देते हैं फिर समझाएंगे, हो गया आगे बढ़े हैं, हो गया ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा दांतों की संख्या गिनने के लिए, दांतों की संख्या गिनने के लिए, के लिए दंत सूत्र, दंत सूत्र का प्रयोग, का प्रयोग होता है जो
निम्न है, इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे टू काउंट द नंबर ऑफ टीथ, टू काउंट टी ओ टू काउंट द नंबर ऑफ टीथ वी यूज डेंटल फॉर्मूला, वी यूज डेंटल फॉर्मूला। अब देखो दांत मनुष्य के जीवन काल में कितना बार आता है, दो बार। एक बार कौन आता है, मिल्क टीथ आता है ना, दूध का दांत जिसको बोलते हैं मिल्क टीथ। मिल्क टीथ की संख्या कितनी होती है, 20, ठीक है। अब मिल्क टीथ का जो डेंटल फॉर्मूला बनाया गया है DF, मतलब डेंटल फॉर्मूला जो बनाया गया है वह है 2102 बाई 2102 इंटू 2, ठीक है। और मनुष्य में दांत कौन कौन से हैं, पहला दांत जो होता है उसको बोलते हैं इनसीजर, दूसरा वो बोलते हैं केनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर, प्रीमोलर, फिर चौथा होता है मोलर। ये चार प्रकार के मनुष्य में दांत होते हैं, ठीक है। और दूसरा जब ये मिल्क टीथ डिकम्पोज हो जाता है तो फिर कौन सा टीथ आता है, परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ को हम लोग अस्थाई दांत भी बोलते हैं, ठीक है। परमानेंट टीथ बोले या अस्थाई दांत बोले, इसकी संख्या कितनी होती है, 32, 32। और इसका डेंटल फॉर्मूला होता है 2123 बाई 2123 इंटू 2, और इसका भी यही टाइप्स हो जाएगा। तो पहला लिख लीजिएगा आप इंसीजर, दूसरा केनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर, इसको लिखिए। हिंदी में इसका जानोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा। इंसीजर को बोला जाता है कृदंतक, कृदंतक। केनाइन को बोला जाता है भेदक, भेदक। प्रीमोलर को बोलते हैं हम लोग अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक। और इसको बोलते हैं मोलर को चवर्णक। इंग्लिश ही नाम याद कर लीजिए, ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। हो गया, आगे बढ़े। अब देखो दांत का अगर पूछा जाए भाग, कितने सारे भाग है, तो जबड़ा हम लोगों के पास दो है, अपर जॉ और लोअर जॉ। तो मान लो अपर जॉ में लगा हुआ एक केनाइन टीथ है, ठीक है। केनाइन टीथ इसको बोलते हैं जो यहां पर होता है। कार्निवोरस जो एनिमल होता है मांसाहारी, उसका यह बहुत शार्प होता है हर्बीवोरस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो मान लीजिए ये ऊपरी जबड़े में लगा हुआ कौन सा दांत है, केनाइन टीथ है। ये हो गया मसूड़ा, ऊपरी जबड़े में लगा हुआ। तो दांत का जो भाग मसूड़े से धंसा हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं रूट, ठीक है। बीच वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं नेक, और सबसे ऊपरी सिरा को हम लोग बोलते हैं क्राउन। ये फिगर बना करके लिख लीजिए, दांत का जो भाग मसूड़ों में धंसा हुआ रहता है उसको बोलते हैं रूट, बीच वाले भाग को नेक, और सबसे बाहरी भाग को कहते हैं क्राउन। अगर इसी दांत को हम लोग निचला जबड़ा में बना दें तो ये फिगर बदल जाएगा, क्राउन चला जाएगा ऊपर। हो गया, चलिए अब पीछे से समझिए। देखो दांत में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखवा है, मनुष्य का दांत मेनली किस चीज का बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। मेनली हम लोगों का जो टीथ है वह बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो आपको याद यही रखना है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कई जगह पर आपको कैल्शियम कार्बोनेट नहीं दे देगा, देखा कि मनुष्य का दांत निम्नलिखित में से किस चीज का बना हुआ है, और दे देगा क्या, डेंटाइन। इसको हिंदी में भी डेंटाइन ही कहते हैं, तो याद रखना अगर डेंटाइन भी दिया हुआ रहे तो यह सही है कि डेंटाइन जो होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का ही कंपोजिशन है। तो लिख लीजिए वहां पर, उसी में कहीं कोना मोना में लिख लीजिए, डेंटाइन भी लिख लो कि मनुष्य का दांत डेंटाइन का भी बना हुआ होता है, नाम बस अलग अलग हो जाता है। तो पहला पॉइंट आपने इसमें लिखा है कि मनुष्य का जो दांत होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, उसको डेंटाइन भी कहते हैं। कुछ लवण मतलब होता है साल्ट, ठीक है, लवण मतलब होता है साल्ट। तो कुछ कैल्शियम
फॉस्फेट के भी साल्ट ह्यूमन के टीथ में पाए जाते हैं। दांत का जो ऊपरी भाग है, जैसे मान लो ये ऊपरी जबड़े में लगा हुआ जो हमने अभी ड्रॉ किया था केनाइन टीथ है, तो ये दांत पूरा का पूरा हो गया। तो ये वाला जो ग्रीन कलर का पार्ट आप देख रहे हैं टीथ का, ये हो गया क्या, डेंटाइन या कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये ग्रीन वाला पार्ट है डेंटाइन हो गया या कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। और इसी के ऊपर में आप देखेंगे कि एक हल्के पीले रंग की संरचना पाई जाती है। इस संरचना को क्या बोला जाता है, इनामेल। इस संरचना को बोलते हैं हम लोग इनामेल, या बाहर के सेंसिटिविटी से दांतों की रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब यहां अंदर वाला जो मामला है, इस डेंटाइन के अंदर अगर आप चले जाओ तो डेंटाइन के अंदर में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं। अंदर में है ब्लड वेसल्स जिसमें रक्त बहता हुआ रहता है। ब्लड वेसल्स में क्या पाया जाता है, जो ब्लड कैपिलरीज भी यहां पर रहता है, ब्लड कैपिलरीज में रक्त केशिका। अब ब्लड कैपिलरीज इतना पतला पतला होता है, उसका डायमीटर कई बार हम लोगों के बाल के जैसा होता है, बाल से भी पतला पतला होता है। तो जिसका इनामेल यह लेयर कमजोर हो गया टीथ का, वो कुछ भी ठंडा गर्म खाएगा तो दांतों में सनसनाहट होती है। ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट सीधे हो गया, ये वाला हरा वाला हिस्सा है ये डेंटाइन आपका हो गया डेंटाइन। तो डेंटाइन में अगर कुछ भी गर्म या ठंडा लगेगा तो वो दांतों में मसूड़ों तक झंझना देता है। समझ में आ रहा है बात। इसीलिए क्या मजबूत बनाए करके रखना चाहिए दांत का, कौन सा वाला भाग, इनामेल वाला भाग। दूध के दांत में इनामेल ज्यादा दिखाई देता है, इसीलिए बच्चों का दूध का दांत दिखता है किस रंग का, पीले रंग का दिखता है। जो छोटका बच्चा सब होता है उस सबका दांत हम लोग देखते हैं तो क्या बोलते हैं, तुम ब्रश नहीं करता होगा ब्रश नहीं करता होगा, वो करबो करेगा बेचारा, तो उसका इनामेल इतना अधिक है कि वो पीला ही दिखाई देगा, चमकेगा नहीं। कई बार बिहारी बुद्धि लगा देता है सब, की इनामेल उसका रगड़ के झड़वा देता है। जैसे मेरे ही साथ हुआ था, जिस समय हम नानी के घर में थे, तो तीन चार पांच साल के होंगे, तो ठंडा के दिन में कई बार हम लोग ब्रश नहीं करते थे, ऐसे ही फाकी मार देते थे। घर से मम्मी पूछती ब्रश किए हो, हम बोले किए हैं, तो मम्मी जाकर के कई बार चेक करती थी ब्रशवा छू छू करके किया है कि नहीं, ब्रश गीला तो किए हो, एक दो बार धरा जाते थे तो पिटाईबो करते थे, तो बाद में समझ गए थे कैसे पकड़ती है, तो क्या करते थे ब्रशवा भींगा कैसे ही रख देते थे जाओ तो भी वो कारण था। और इनामेल ज्यादा होता है मिल्क टीथ में, ये भी एक है। तो मामा बोले कि तुम ब्रश नहीं करता होगा, तो वहां पर गंगा नदी के किनारे है, तो जा गए और गंगा नदी में सफेद वाला जो बालू होता है रेत, वो लेकर के आए, बोले कि उंगली से लेकर के या ब्रश से लेकर के रेत से एक बार मुंह धो लो, दांत चमक जाएगा। ठीक है, तो हम लिए रेत से खूब प्यार से धो लिए, एक बार दो तीन दिन तक धो लिए। अब ये वाला मामला जो है तो आपका किस चीज का है, डेंटाइन इनामेल का है। अब आप इसको बालू से रगड़ दीजिएगा तो इनामेल क्या हो जाएगा, झड़ जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। और इनामेल झड़ गया तो ये अंदर में क्या है, डेंटाइन है। तो डेंटाइन कैसा है, किस चीज का बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का, ती तो चमकेगा ही। ये वाला हिस्सा जो है ये पूरा का पूरा कैसा है, सफेद है ना जी, ये वाला जो पार्ट है ये तो पूरा सफेद है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का, तो ऐसे ही चमकेगा। वो भी बचा खुचा रह गया, तो उस समय गांव वगैरह में एलपीजी गैस ही सब उतना था नहीं, चूल्हा रहता था जिस पर लकड़ी और गोईठा से खाना बनता था, तो उससे जो राख निकलता है उस राख को दिया सब कि राख से एक बार मुंह धो लो, हम लिए राख से भी धो लिए। ठीक है, अब पूरा का पूरा जो था इनामेल खत्म। अब ठंडा गर्म खाओ तो डांस कराता था तुरंत, इतना उस समय आइसक्रीम भी मिलता था, आप लोग पता नहीं खाए कि नहीं, 50 पैसा वाला आइसक्रीम खाए, 1 रुपया 50, तो उसमें कुछ रहता नहीं था, खाली बर्फ जमा के दे देता। अब वो भी हम लोग खाते थे तो बहुत परेशानी होता था। ठीक है, इसलिए इनामेल को क्या करना चाहिए, बचा करके रखना चाहिए। ई खत्म हो गया, ब्रश भी करिए तो किस वाले ब्रश से करिए, सॉफ्ट वाला, सबसे मुलायम वाला ब्रश। सस्ता के चक्कर में कई बार पैसा बचाने के लिए क्या करता है, सब 15 रुपया 20 रुपया वाला ब्रश खरीद लेगा, और ब्रश इतना हार्ड रहता है, मैंने लगता है भैंस का पूंछ काट के वो ब्रश बनाया है। ठीक है, वो इतना हार्ड रहेगा, उससे मुंह धोगे तो क्या होगा, इनामेल झड़ जाएगा। तो बढ़िया वाला जो होता है सेंसोडाइन का, चाहे बाबा रामदेव का ब्रश, ढंग का जो है। अब ब्रश करने करो भी तो कितना देर, मैक्सिमम 5 मिनट बहुत हो गया, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। कई को लोग ऐसा होता है कि पेपर पढ़ रहा है, पूरा पेपर कर रहा है, पढ़ लिया 1.5-2 घंटा, उतना देर ब्रश उसके मुंह में है, मतलब ऐसा लग रहा है वो महिला कपड़ा खींच रहा है उस हाल में। तो ऐसे लोग क्या करो, कपड़ा धोने वाला ब्रश नहीं होता है, उसी पर सड़प छिड़क के एक बार मार लो, इधर चमकिया जाएगा एकदम। इनामेल टूट जाने के बाद परमानेंट टीथ अगर लगवाइएगा तो उसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और कॉस्ट भी होगा वो अलग, समझ गए। तो एक बार, हाँ एक बार हम कैविटी फील कराने गए थे, तो एक उधर है हम लोग बुद्धा डेंटल कॉलेज, बहुत बड़ा कॉलेज है दांत का है,
तो बुद्धा डेंटल कॉलेज में अपना कैविटी फिल करा रहे थे दांत में जो गड्ढा हो गया था, तो पहले आरसीटी किया, आरसीटी करने के बाद ड्रिल कर करके पूरा दांत तोड़ता है, फिर उसमें मसाला वसाला भरता है, फिर कैप लगा देता है। तो उसका जो देखे हो गए आप लोग डेंटिस्ट जिस पर बैठा करके इलाज करता है, सिंहासन टाइप का रहता है बड़का, तो एगो सिंहासन पर हम थे, दूसरे सिंहासन पे वो बैठा हुआ था, एक और आदमी बैठा हुआ था, वो कहीं हमको लग रहा है कि लड़ उड़ करके आया था, एक्सीडेंट हुआ था, उसका आगे का ही चार गो टूटा हुआ था, दो गो ऊपर का दो गो नीचे का, उसका एकदम इंडिया गेट खुला हुआ था, उसका ये भी टूटा हुआ था, ये भी टूटा हुआ था। डॉक्टर से पूछ रहा था कि परमानेंट टीथ लगाना है कितना खर्चा आएगा, तो डॉक्टर बोला उसको कि एक परमानेंट टीथ आप लगाइएगा तो इसका खर्चा है 12,000 रुपया, ठीक है, एक परमानेंट टीथ का दाम कितना है 12,000 रुपया, तो बोला बस इतना ही रहेगा कि और कुछ बढ़ेगा, मैंने चार गो सोचा कि 36,000 रुपया में मामला फरिया जाएगा 48,000 में, तो डॉक्टर बोला कि ये तो हो गया आपके 12,000 जो हो गया ये किसका दाम हो गया, केवल डेंटाइन का, ठीक है, और केवल डेंटाइन आपको लगा करके दे देंगे तो आप परेशान रहिएगा, कुछ खाइए नहीं पाइएगा ठंडा गर्म, उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, इनामेल देना पड़ेगा, और इनामेल जो होता है लैब में नहीं बनाया जा सकता है, प्रयोगशाला में इनामेल नहीं बनता, ही नेचुरल रहता है। तो पूछा किसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो बोला उसके लिए दांत के ऊपर सोना का पानी चढ़ाना पड़ेगा, गोल्ड का लेयर चढ़ता है, ठीक है, देखिएगा जो भी परमानेंट टीथ लगाता है ना उसका दांत पीले रंग का रहेगा, वो सोना का पानी चढ़ाता है उसके ऊपर, ठीक है, सोना का पानी इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि यह क्या सोना जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल है जिसका रिएक्शन बहुत कम होता है, तो कहा सोना का छोड़िए चांदी चढ़ा दीजिए, ठीक है, चांदी चढ़ा के सस्ता में हो जाएगा, मैंने सोना चढ़ाया तो 12,000 रुपया ही है, 3,000 रुपया पानी चढ़ाने का, एक दांत जा रहा था कितने का 15,000 रुपया का, तो बोला चांदी चढ़ाइएगा तो 12,500 में फरिया जाएगा उधर, बोला चांदी जो होता है हाईली रिएक्टिव मेटल है और चांदी जो होता है अमोनिया के साथ बहुत रिएक्शन करता है और अंडा में क्या होता है अमोनिया, और कभी भी चांदी का पानी चढ़ा हुआ दांत हो उस पर जाकर के आप अंडा उंडा खा लीजिए तो पॉइजन बन जाएगा, रात में सुतले सुतले फ्लाइट मोड में चल जाएगा, इसके लिए क्या करा जाता है इसके ऊपर सोना का पानी चढ़ा दिया जाता है। तो एक दांत कितना का हो गया बताओ 15,000 रुपया का, चार दांत में उसका कितना खर्चा जाएगा 60,000 रुपया, 60,000 का हम बैठे बैठे कैलकुलेशन किए वहां पे कि भगवान फ्री में हम लोगों को कितना दांत दिए हुए हैं 32, एक दांत का कीमत 15,000 रुपया, गुणा करो तो कितना हो रहा है, करिए कॉपी में 15 16 ये 2 हो गया 4,80,000, 4,80,000 का संपत्ति मुंह में है हम लोगों के, ठीक है, यानी पैदाइशी लखपति हुए हैं हम लोग, तो इसको बचा करके रखना चाहिए 4,80,000 के संपत्ति को, ठीक है, ये है तो काम चलेगा, नहीं तो बहुत खर्चा आ जाएगा इसमें, तो ब्रश व्रश भी बढ़िया वाला करिएगा आप लोग, इसीलिए पहले इसको बता दिया। दांत का ऊपर वाला भाग याद रहेगा क्या कहलाता है, इनामेल, क्या कहलाता है इनामेल, और इनामेल जो होता है यह क्या होता है मनुष्य के शरीर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, यानी बोन से भी स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट क्या है इनामेल, अब बिहारी इसको भी झाड़ देता है, बोन से भी स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है यह। दांत के आधार पर मनुष्य का कितना नाम दिया गया है, 3 नाम, पहला नाम क्या है डिफोडोंट, डिफोडोंट को हिंदी में द्विदंती कहते हैं, इसका मतलब क्या है दांत पूरे जीवन काल में कितनी बार आता है 2 बार आता है, इसलिए मनुष्य का नाम क्या दिया गया है डिफोडोंट दिया गया है। दूसरा क्या लिखवाया है हेट्रोडोंट, तो हेट्रोडोंट को क्या बोलते हैं विषमदंती, जितना दांत है सब एक तरह का है कि अलग अलग है, अलग अलग है, एक तरह का कोई नहीं है, 4 तरह का लिखवाए थे ना जी, इसीलिए मनुष्य का एक नाम क्या है विषमदंती हेट्रोडोंट, और तीसरा क्या नाम दिया गया है थीकोडोंट, थीको का मतलब सारे दांत जो है वो जबड़े में धंसे हुए हैं, ठीक है, मनुष्य के सारे दांत जबड़े में धंसे हुए हैं, इसलिए इसका एक और नाम क्या दिया गया है थीकोडोंट। आप एक चीज कॉमन यहां देख रहे होंगे बार बार कौन सा वर्ड आ रहा है डोंट, तो आपको याद होगा कि हमने दांत का अध्ययन क्या लिखवाया था ओडोंटो लिखवाए थे ना, तो यहीं से डोंट वर्ड जो है वो बार बार आ रहा है, ठीक है। डिफोडोंट किस लिए, दांत कितनी बार आता है 2 बार, इसलिए। हेट्रोडोंट किस लिए, सब दांत अलग अलग है। और थीकोडोंट किस लिए, सारे दांत जबड़े से जुड़े हुए हैं, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखिए, उसके बाद दांतों की संख्या अगर गिननी है तो मिल्क टीथ की संख्या पूरे जिस समय ये आता है 20 रहता है, इसका डेंटल फॉर्मूला क्या है 2102/2102×2। अब देखो ये बट्टा के ऊपर जो लिखा हुआ है यह ऊपरी जबड़े में दांतों की संख्या है, अपर जॉ में,
बटा के नीचे जो लिखा हुआ है यह लोअर जॉ में दांतों की संख्या है, ठीक है। और दो से मल्टीप्लाई इसलिए किया गया है कि लिप्स के इधर जो दांत जिस जगह पर है, इधर वही दांत उसी जगह पर है। जैसे मान लो यहां पर केनाइन है ना, ठीक यहां भी है, यहां पर नीचे में केनाइन है उसके ठीक यहां पर भी है, यानी जो दांत इधर जिस जगह पर है इधर उसी जगह पर है, क्योंकि ह्यूमन का सिमेट्री कैसा है, बाइलेटरल, ठीक है। जैसे हम लोगों को बीचों बीच काटा जाए तो दो आइडेंटिकल हाल्फ में बॉडी क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी सिमेट्री कैसा है हम लोग का, बाइलेटरल, इसीलिए दो से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए आपसे पूछे कि केनाइन का संख्या बताओ, तो दो और दो कितना हुआ, चार, चार दूना केनाइन कितना हो जाएगा, आठ, सॉरी इंसीजर, इंसीजर कितना होगा, आठ, केनाइन आपसे पूछे तो एक एक दो, दो दूना चार, प्री मोलर कितना हो जाएगा, जीरो, जीरो से गुणा के जीरो इन रह गया, मोलर कितना हो जाएगा, आठ, टोटल कितना हो गया, बीस। तो यह प्रश्न पूछा हुआ था, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है कि मनुष्य के दूध के दांत में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो क्या कौन सा नहीं पाया जाएगा, प्री मोलर, अग्रचवर्णक जिसको हिंदी में कहते हैं, यह दूध के दांत में नहीं होता है। उसके बाद देखिए परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ को हिंदी में क्या बोलेंगे, अस्थाई दांत, इसकी संख्या कितनी होगी, 32, और इसका डेंटल फॉर्मूला 2123 बाई 2123 इंटू 2। तो देखो इंसीजर कितना हो जाएगा, आठ, केनाइन कितना हो जाएगा, प्री मोलर, आठ मोलर, 12, टोटल 32, लिख लीजिए इसको, ठीक है। तो मेन आप में मनुष्य का ही पूछता है, बाकी किसी एनिमल का नहीं पूछेगा, ये डेंटल फॉर्मूला भी याद रखना है। हो गया, कोई कह रहे हैं निक्की कुमारी टीथ में चांदी भरा जाता है, वो अलग होता है, चांदी नहीं भरा जाता है जी, चांदी नहीं भरते हैं। चलिए आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, टंग, तीसरा टंग, इसको क्या बोलते हैं, जीभ, ठीक है। टंग में पहला पॉइंट लिखिएगा, टंग इज अ मस्कुलर एंड मूवेबल ऑर्गन ऑफ माउथ। लिखिएगा हिंदी वाले लोग, जीभ एक मांसपेशीय संरचना है, जीभ एक मांसपेशीय संरचना है। हो गया, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, ऑन द अपर वॉल ऑफ टीथ अबाउट 20 to 25,000 टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट। जीभ के ऊपरी सतह पर, हिंदी वाले लोग लिखेगा, जीभ के ऊपरी सतह पर लगभग 20 से 25,000 स्वाद कलियां, टेस्ट बर्ड्स को हिंदी में कहते हैं स्वाद कलियां पाई जाती हैं जो निम्न स्वाद पता करती हैं विच फील्स डिफरेंट टेस्ट्स। पहला टेस्ट लिखिएगा स्वीट, दूसरा टेस्ट लिखिएगा सावर, और तीसरा लिखिएगा बीटर। स्वीट, सावर एंड बीटर। स्वीट माने मीठा, सावर माने नमकीन या खट्टा, और बीटर मतलब तीखा। अब देखो यह क्वेश्चन अभी 65वीं बीपीएससी में ही हमको लग रहा है या 66वीं में ही था, ठीक है, कि जीभ के किस भाग से कड़वाहट का पता किया जाता है, 64वीं या 65वीं या 66वीं में था,
66वीं में था, जीभ के किस भाग से कड़वाहट का पता किया जाता है। तो देख लो, मान लो इस तरीके का कोई जीभ है, कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, मान लो जीभ है, ठीक है। तो जीभ का तीन भाग है, ये वाला हिस्सा जो है जीभ का, ये क्या कहलाता है, फ्रंटल पार्ट, अग्रभाग, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है यह मिडिल पार्ट कहलाएगा, और ये जो हो जाएगा इसका पोस्टेरियर पार्ट कहलाएगा, ठीक है। तो जीभ के तीन भाग होते हैं, पहला फ्रंटल पार्ट, इसको हिंदी में कहेंगे तो बोल सकते हैं अग्रभाग, ये फिगर बना लो, अग्रभाग, ये हो जाएगा मध्य भाग, और इसको बोलेंगे पश्च भाग। इंग्लिश वाले लोग लिख लेंगे इसको फ्रंटल पार्ट, इसको बोलेंगे मिडिल पार्ट, और इसको बोलेंगे पोस्टेरियर पार्ट। हो गया, अब देखिए इसको समझिएगा। देखिए जीभ का जो अग्रभाग है फ्रंटल पार्ट, याद रखना है यह कैसा टेस्ट फील कराता है हम लोगों को, स्वीट। जीभ का अग्रभाग किस स्वाद के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्वीट के लिए, मीठा के लिए। जीभ का जो मिडिल पार्ट है ये वाला, ये है किस चीज के लिए, सावर के लिए। सावर माने खट्टा और नमकीन दोनों आ जाएगा, ठीक है। और ये पश्च भाग जो है यह किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिटर के लिए, तीखापन के लिए। एक और चीज याद रखोगे, जीभ के बीच वाले भाग में नो टेस्ट, यहां कोई स्वाद नहीं होता है। मिर्चा पकड़ के रगड़ लोगे बीच में, फिर भी मालूम नहीं चलेगा, अब दाएं बाएं रगड़ा गया तो हालत खराब हो जाएगा, एक और उसका बिया छटक के पहुंच गया दाएं बाएं, तो ये जीभ हो गया, ठीक है। अग्रभाग किसके लिए, स्वीट के लिए। मध्य भाग किसके लिए, सावर के लिए। और पश्च भाग, बिटर के लिए। और बीच में नो टेस्ट। और इसी जीभ का ये जो पूरा का पूरा ऊपर का सरफेस है, इसमें क्या पाया जाता है, टेस्ट बर्ड्स, क्या पाया जाएगा, टेस्ट बर्ड्स, इसको स्वाद कली हिंदी में कहते हैं। हम लोग केवल तीन ही प्रकार का टेस्ट पता कर सकते हैं, स्वीट, सावर और बिटर। चौथा टेस्ट अगर कोई होता भी होगा तो उसका रिसेप्टर हम लोगों के टंग में नहीं है, होता भी होगा तो वो हम लोगों को मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि उसका रिसेप्टर हम लोगों के पास नहीं है। तो टेस्ट बर्ड्स मेनली क्या काम करता है, टेस्ट को रिसीव करने का कार्य करता है। क्लियर है, कोई डाउट कि नहीं को, चलिए नेक्स्ट लिखिएगा अगला पॉइंट। थ्री पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन माउथ। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, मनुष्य के मुख गुहा में तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, हो गया। पहला नाम लिखिएगा, पहला पैरोटिड, हिंदी में भी इसको पैरोटिड ही बोलेंगे, यह नाम है इसका, हिंदी इंग्लिश अलग नहीं होगा, हिंदी में भी इसको बोलेंगे पैरोटिड। दूसरा होगा सबलिंगुअल, और तीसरा ग्रंथि है सब मैंडिबुलर। तीन जोड़ी लार ग्रंथि है, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर, ठीक है। पैरोटिड लोकेट कहां पर है, कहां पर पाया जाएगा, तो जीभ के नीचे से कान की पट्टी तक, जीभ के नीचे से कान की पट्टी तक। सब लिंगुअल कहां पर पाया जाएगा, जीभ के नीचे,
और सब मैंडिबुलर कहाँ है? ऊपरी जबड़े के ऊपर, ऊपरी जबड़े के नीचे, ऊपरी जबड़े के नीचे। तीन पेयर सैलिवरी ग्लैंड है। हो गया? देखिए, तीन जोड़ी लार ग्रंथि हम लोगों के माउथ में है। अगर पूछा जाए कि मनुष्य की लार ग्रंथियां एक दिन में औसतन कितना सेलाइवा बनाती हैं, कितना लार बनाती हैं, तो याद रखना है कितना लीटर, 1.5 लीटर, लगभग 1.5 लीटर सेलाइवा लार हम लोगों के मुख में प्रतिदिन बनता है। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत की नहीं को? अब देखो, तीन जोड़ी लार ग्रंथि कौन कौन सा है? पहला लार ग्रंथि कौन सा है? पैरोटिड। तीन जोड़ी माने 6 गो हुआ। पैरोटिड कहां है? जीभ के नीचे से शुरू होगा और कहां तक गया है? कान की पट्टी तक। जीभ के नीचे से शुरू हुआ और कान की पट्टी, कान पट्टी समझते हो ना सब लोग? हाँ। यहां से जीभ के नीचे से कान की पट्टी तक पैरोटिड है। सबलिंगुअल कहां है? जीभ के नीचे। जीभ को उठा करके देखिएगा तो नीचे दिखाई देता है। सब मैंडिबुलर कहां है? ऊपरी जबड़ा के नीचे। ठीक है, और तीनों मिलकर के क्या निकालता है? सेलाइवा। एक प्रश्न पूछता है खूब एग्जाम में कि पैरोटिड ग्रंथि में कौन सा रोग हो जाता है, पैरोटिड ग्रंथि में कौन सा रोग होता है? तो रोग का नाम याद रखोगे, मम्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं गलसुआ। एक बीमारी है गलसुआ, ये डीजी चैप्टर पढ़ाएंगे वहां भी बताएंगे। गलसुआ रोग कौन सी ग्रंथि को प्रभावित करता है? पैरोटिड। और यह एक वायरस से होने वाली बीमारी है जिस वायरस का नाम है पारामिक्सो वायरस। पारामिक्सो वायरस, इसको गलसुआ रोग कहा जाता है। ठीक है, देखिए कई लोगों का गला नीचे से फूल जाएगा तो पट्टी चिपका कर रखता है सफेद रंग का। देखिए यहां पर सफेद रंग का पट्टी, उसमें छेद छेद रहता है पट्टी में, उसका जो पैरोटिड ग्रंथि है वो स्वेल कर जाता है, फूल जाता है। कौन से वायरस से? पारामिक्सो वायरस से। और यह वायरस कम्युनिकेट कैसे होता है? तो जूठा भोजन खाने से, या जूठे सेलाइवा के संपर्क में आने से, जूठा पानी पीने से। जो इन्फेक्टेड कोई पर्सन है, मान लो वो बोतल से पानी पी रहा है, और फ्रेंड स्टूडेंट लाइफ में खूब होता है, वो बोतल से 13-14 लोग पानी पीते रहता है। अब मान लो वो पानी बोतल उठा करके, उसको गलसुआ है, मम्स है, पानी पीते पीते लोल बोतल में सटा दिया, वो बोतल में सट गया, अब सेलाइवा तो आ गया वहां पे। और कोई हेल्दी इंसान है, उसी बोतल से पी लिया, पहुंच गया ना लार उसके पैरोटिड ग्रंथि के अंदर। या फिर मान लीजिए खाना खा रहे, तो एक ही थाली में बैठ करके 2-3 लोग खाना खा रहे, उसमें से कोई है वो परेशान इस बीमारी से, तो ये कम्युनिकेट कर देता है। बहुत डेंजरस है ये, आवाजें नहीं निकलेगा, गला बस जाएगा पूरा, फूड निगलाएगा नहीं, सेलाइवा बनने में दिक्कत होने लगेगी। तो पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर, ये नाम याद रखना है। नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, सलाइवा कॉन्टेन एन एंजाइम टाइलिन और पी साइलेंट है, टाइलिन और सैलिवरी अमाइलेज विच एक्ट्स ऑन स्टार्च, विच एक्ट्स ऑन स्टार्च। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, लार में टाइलिन या सेलिवरी एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। लार में टाइलिन या सेलिवरी एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है, जो मंड, स्टार्च को हिंदी में बोलते हैं मंड। ठीक है, जो स्टार्च के पाचन के लिए जिम्मेवार है। ठीक है, कल के क्लास में हम क्या बताए थे कि प्लांट्स जो होता है अपना भोजन क्या बनाता है? ग्लूकोज। ठीक है, स्टार्च का नाम सुने हो सब लोग? क्या होता है स्टार्च बताइए, व्हाट इज स्टार्च? ये पॉइंट लिखवाना हमसे कल छूट गया था गलती से, यहां याद कर लो। देखो स्टार्च जो होता है ना,
ये प्लांट्स का क्या है, रिजर्व्ड फूड मटेरियल है। क्या है? रिजर्व फूड है, याद रखना है। प्लांट्स का रिजर्व फूड क्या होता है? स्टार्च। हिंदी में इसको बोलते हैं संचित भोज्य पदार्थ। प्लांट क्या बनाता है भोजन में? ग्लूकोज। कहां बना? पत्ता के अंदर बना। अब कुछ एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन गया जिसकी जरूरत पौधों को नहीं है, उस ग्लूकोज को वो क्या करता है, अपने कोशिका में उसका पाया जाता है वैक्यूल। कोशिकांग का एक है, उसका नाम क्या है? वैक्यूल। तो उस ग्लूकोज को जो एक्स्ट्रा बन गया है उसको वैक्यूल्स में स्टोर कर लेता है, उसी स्टोर ग्लूकोज को क्या बोला जाता है? स्टार्च बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे मनुष्य है तो हम लोग भी कुछ भी खाएं, चना खाएं चाहे जिलेबी खाएं, फाइनली बनना ग्लूकोज ही है। चना जिलेबी का टेस्ट खाली माउथ तक, नीचे उतरा तो उसका कोई टेस्ट नहीं और फाइनली वो क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। ठीक है, तो जो ग्लूकोज हम लोगों में बनता है और ज्यादा ग्लूकोज बन गया तो हम लोग भी उसको रिजर्व कर लेते हैं, संचित कर लेते हैं। तो मनुष्य का जो संचित भोज्य पदार्थ है उसका नाम याद रखिएगा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज रिजर्व्ड फूड मटेरियल ऑफ ह्यूमन या एनिमल्स। जो भी जंतु हैं उनका संचित भोज्य पदार्थ होता है ग्लाइकोजन और पौधों का संचित भोज्य पदार्थ होता है स्टार्च। याद रहेगा, कोई दिक्कत की नहीं को? तो ये सारे जंतु का भी है और फंजाई का भी है। फंजाई माने कवक। कवक का भी रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन और मनुष्य का भी और सारे जानवर का भी। समझ गए? तो देखो जो पॉइंट लिखा है हमने क्या लिखा है, सेलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन या फिर सेलिवरी एमाइलेज, या किस चीज को पचाएगा? स्टार्च को। मान लो आप गेहूं का कोई प्रोडक्ट खा रहे हो, राइस खा रहे हो, तो राइस कुछ भी प्लांट का प्रोडक्ट है उसमें स्टार्च होगा कि नहीं होगा? होगा। और वो जैसे ही हम लोगों के माउथ में आएगा तो सेलाइवा उसको क्या करेगा? तोड़ देगा। ठीक है, और सेलाइवा तोड़ करके क्या करेगा? उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। तो सेलाइवा जो है स्टार्च के भी पाचन में सहायक होता है, ग्लाइकोजन के भी पाचन में सहायक। आप मांसाहार का सेवन मान लो कर रहे हो, मांस खा रहे हो, तो मांस खा रहे हो तो उसका रिजर्व्ड क्या होगा? ग्लाइकोजन होगा उसमें, तो उसको भी डाइजेस्ट कौन कर देगा? सेलिवरी एमाइलेज। नई किताबों में टाइटिन लिखा हुआ आ रहा है और पुराने जो किताब है उसमें लिखा हुआ रहता है सेलिवरी एमाइलेज, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कोई दिक्कत की नहीं को? लार में कौन सा एंजाइम है? टाइलिन या सेलिवरी एमाइलेज है। क्लियर है? एक और पॉइंट जौ लिख लो, ये लार के बारे में हो गया, और चौथा लिख लो जौ के बारे में, जबड़ा। फिर कुछ क्वेश्चन है उसको करा देते हैं। जौ, जबड़ा, जौ डैश देकर के लिखिएगा। जबड़े के आधार पर मनुष्य को, जबड़े के आधार पर मनुष्य को थीकोडोंट भी कहा जाता है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन भी करवा दीजिए, ह्यूमन न्यूट्रिशन ही करा रहे हैं जी अभी से एक आनंद, ह्यूमन न्यूट्रिशन ही तो चल रहा है। क्या लिखे? जबड़े के आधार पर मनुष्य को थीकोडोंट भी कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा थीकोडोंट, हाँ, क्योंकि सारे दांत जो है जबड़े में ही है ना। एक और पॉइंट लिखिएगा, मनुष्य में दो जो एक जोड़ी जबड़ा होता है, मनुष्य में एक जोड़ी जबड़ा होता है, हाँ, स्टार्च इज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट एक ही है। मनुष्य में एक जोड़ी जबड़ा होता है, ऊपरी एवं निचला, ऊपरी एवं निचला। ऊपरी जबड़ा क्या होगा? फिक्स की मूवेबल होगा, फिक्स। और निचला जबड़ा? एक अपवाद बताओ जो जिसका दोनों जबड़ा हिलता हो, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल जो है अपवाद है, उसका दोनों जबड़ा जो होता है वो मूव करता है, इसलिए दांत होने के बावजूद भी वो भोजन को क्या करता है? निगल जाता है, चबा नहीं सकता है। समझ गए? कोई दिक्कत की नहीं को? तो आज मुख गुहा तक ही रहने देते हैं, कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट पूरा ओवरऑल साइंस का, ठीक है, 35-40 क्वेश्चन है, उसको अभी करवा देते हैं। सब लोग अपने अपने कुछ पूछना नहीं है कि नहीं को इसमें? जौ को जबड़ा बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश लिखवा दे, लिख लो ना। ऑन द बेसिस ऑफ जौ ह्यूमंस आर कॉल्ड थीकोडोंट, ऑन द बेसिस ऑफ जौ ह्यूमंस आर कॉल्ड थीकोडोंट। हो गया है काम, ला दीजिए।
ऑन द बेसिस ऑफ जॉ ह्यूमंस आर कॉल्ड थीकोडॉन. अ पेयर ऑफ जॉ प्रेजेंट इन ह्यूमन माउथ, अ पेयर ऑफ जॉ प्रेजेंट इन ह्यूमन माउथ, पहला अपर जॉ, दूसरा लोअर जॉ. पहला अपर जॉ, दूसरा लोअर जॉ. अपर जॉ में लिख लीजिएगा फिक्स और लोअर जॉ में लिख लीजिएगा मूवेबल. अपर जॉ फिक्स होता है, लोअर जॉ मूवेबल होता है, इसीलिए भोजन को चबा पाते हैं हम लोग. जो आप लोगों को असाइनमेंट मिलेगा उसको भी पूरा पढ़ लेना है, ठीक है. ओवरव्यू आपको समझ में आ गया कि चैप्टर क्या कहना चाहता है, क्या क्या इस चैप्टर में है, लेकिन उसमें चैप्टर में क्या क्या ये है आपका, और भी बहुत सारा पॉइंट होगा, वो आपको नोट्स में डाला गया है, तो नोट्स एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वो ज्यादा सही रहेगा. Already exist. हाँ, ये हटा दीजिए. लॉक इसमें कहाँ से होगा? ये पेन है, ये लॉक है. पहले लॉक कर देते हैं, फिर अच्छा लिखने के लिए यहां से हो जाएगा ना, ठीक. देखिए कॉपी का लास्ट पेज निकाल लीजिए, सबसे लास्ट, ठीक है, और क्वेश्चन आते जाएगा आपके सामने और उसको आपको क्या इसका सही आंसर होगा उसको कॉपी पर लिखना है. लास्ट में देखना है कि कितना नंबर आ रहा है, एक ओवरव्यू मालूम चल जाएगा कि साइंस में क्या नॉलेज है, ठीक है. देखो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है. द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इन टू आईज कैन बी कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाई. क्वेश्चन नंबर आपको लिखना है, जैसे क्वेश्चन नंबर एक, इसका आंसर क्या होगा, ए या बी, बस वो लिख देना है, ठीक है. पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना है, ए या बी लिख देना है. आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? ऑप्शन में प्यूपुल, सिलियरी मसल्स, कॉर्निया, रेटिना. जो आंसर होगा उसको कॉपी में लिख लीजिएगा. हो गया, ठीक है. अब आगे बढ़ेंगे तो इसका आंसर स्क्रीन पर आ जाएगा, ठीक है. उसको आप टिक कर लीजिएगा, आपका सही है कि गलत है. गलत होगा तो क्रॉस कर दीजिएगा, सही ऑप्शन लिख दीजिएगा वहां पे, क्रॉस कर दीजिएगा ईमानदारी से. आप लोग ईमानदार दिख रहे हैं ऐसे, ठीक है. इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओहो, पूरा इसमें ये अच्छा खाली लॉक करना है, यहां से लिखना है, ठीक. आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्यूपिल. लिख लिए, चलिए. आ जाओ, नहीं आएगा. क्या फंस रहा है सर? अच्छा
अब आ रहा है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। विच सेल्स इन आवर बॉडी आर पॉपुलरली कॉल्ड सोल्जर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। डिस्कस मत करिएगा, बनाना है आपको कॉपी में। जिसको आंसर पता हो चुपचाप अपना आंसर लिख लीजिएगा। ऑप्शन में है आरबीसी, इसोनोफिल्स, बेसोफिल्स, व्हाइट ब्लड सेल। हो गया आंसर, क्या हो जाएगा? व्हाइट ब्लड सेल। देखो इसको समझा देते हैं। सोल्जर माने क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाने वाला। तो हम लोगों के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को कौन बना करके रखता है? हम लोगों का व्हाइट ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल क्या काम करता है? तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक है। ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम आरबीसी का होता है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक ना। तो मेनली ये दो ऑप्शन ही इसमें है, तो आंसर हो जाएगा व्हाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन का सेवन करना चाहिए, आयोडीन मिलना चाहिए? ऑप्शन है 60 ग्राम, 80 mg, 120 ग्राम, 120 mg, 100 ग्राम। आगे बढ़े, आंसर क्या हो जाएगा? भर नहीं ले रहे हो, आंसर देख करके भर ले रहे हो बैठ के, उन्हें नहीं कर रहे हो। ईमानदारी का परिचय दीजिएगा, ईमानदार होकर के। जूम हो गया है, फिट कर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? 80 mg, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट कॉज ग्वाइटर डिजीज। ग्वाइटर को हिंदी में घेंगा रोग भी कहा जाता है। किसकी कमी से होता है? बोलिए मत, लिखना है, बोल करके नहीं, लिख दीजिए उसका जो आंसर होगा। हो गया, ठीक है। ग्वाइटर डिजीज पूछ दे, मान लो ग्वाइटर किस ग्रंथि को प्रभावित करता है, फिर क्या कहोगे? थायराइड ग्रंथि को, ठीक है, थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। क्या है स्किन इतना प्रॉब्लम हो रहा है सर? आंसर हो जाएगा आयोडीन, ठीक है। उसके बाद है, हाउ मेनी नर्व्स आर प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड। मनुष्य के स्पाइनल कॉर्ड में नर्व्स की संख्या पेयर में बताना है। हो गया, देखो दो चीजों में आपसे पूछता है नर्व्स कितना है, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। स्पाइनल कॉर्ड में पूछता है और ब्रेन में पूछता है, तो स्पाइनल कॉर्ड में कितना नर्व हो जाएगा? 31, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 31। और अगर आपसे ब्रेन के बारे में पूछे तब कितना हो जाएगा? 12। ब्रेन में जो नर्व होता है उसको क्रैनियल नर्व कहते हैं, उसकी संख्या 12 जोड़े होती है, और स्पाइनल कॉर्ड में नर्व की संख्या 31 जोड़े होती है। तो आंसर हो जाएगा डी, 31। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑर्थोप्लास्टी इन सर्जरी। सर्जरी में ऑर्थोप्लास्टी का क्या मतलब होता है? जल्दी जल्दी बनाइए, हो गया, आंसर हो जाना चाहिए इसका सी, हिप ज्वाइंट सर्जरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच सॉल्ट इज फाउंड इन मैक्सिमम अमाउंट इन ह्यूमन बोन। हड्डी में सबसे ज्यादा कौन सा लवण पाया जाता है? हो गया, आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम फॉस्फेट, सी। उसके बाद आइए, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या, ह्यूमन स्कल में हड्डी कितना होता है? 22, 23, 24, 25। आगे बढ़े, लिख लिए सब लोग ना? कितना हो जाएगा? 22, 22। अगला क्वेश्चन है, नेम द ग्लैंड दैट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ अदर इंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरे इंडोक्राइन ग्लैंड को नियंत्रित करने के लिए कौन सा ग्लैंड हम लोगों के शरीर में है? हो गया, आंसर हो जाएगा प्यूटिटरी ग्लैंड। जो छोड़ दीजिएगा वो छोड़ दीजिएगा, इन्हें उसमें भरते चले जाइएगा, लास्ट में नंबर जोड़ना है सबको। आंसर हो जाएगा प्यूटिटरी ग्लैंड, हिंदी में पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सटिंग्विश
फायर मोर क्विकली। निम्नलिखित में से कौन आग को ज्यादा तेजी से बुझा सकता है? ठंडा पानी, गर्म पानी, उबलता पानी, बर्फ। दिमाग लगाओ, ठंडे पानी ना होगा, भर लो ठंडा पानी। नहीं, एक बार भर लिए तो काटना नहीं है, मान लो OMR सीट पर भर रहे हो, इन्हें की काट के सही कर लेना। हो गया आंसर, क्या हो जाएगा? गर्म पानी, हॉट वाटर। चलो नेक्स्ट है, वी कैन नॉट सी ड्यूरिंग अ फॉग, व्हाई? हम लोग कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं क्योंकि, बिकॉज ऑफ ए स्मग, आवर आईज कंट्रोल सी फॉग, बिकॉज ऑफ ए स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बिकॉज फॉग इज मोर डेंस। जो बीपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है ना, बकलोल जैसा क्वेश्चन है पूछता है। पिछला बार क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का घर होता है? अब ये कौन सा लैंग्वेज है? 66वीं बीपीएससी में एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, 66वीं में नहीं, हाँ 66वीं में ही था, निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे घटिया स्रोत है? अब सोचो, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है, लैंग्वेज देखो इसका, तो उसी तरह का लैंग्वेज है इसमें भी। हो गया, क्यों नहीं देख सकते? आंसर हो जाएगा सी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला है, दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्ध्य कितना है? वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। वेवलेंथ सब नाम सुने हैं ना, अच्छा ठीक है, तब दिक्कत नहीं होना चाहिए। हो गया, आंसर हो जाना चाहिए इसका ए, ए हो जाएगा 3900 से 7600 एंगस्ट्रम। अगला हो जाएगा क्वेश्चन, इट इज अ विटामिन दैट हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शन इन द ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में संक्रमण को रोकने में सहायक विटामिन कौन सा है? जो लोग ऑनलाइन है वो लोग भी आंसर भेज रहे हैं सर, ऑनलाइन वाले लोग भी आंसर देते रहिएगा और कॉपी में भी लिखिएगा, बाद में बताना है आप लोगों को भी कि कितना नंबर सबका आया है लास्ट में जोड़ के। ऑनलाइन वाले लोग भी आंसर देते रहेंगे। हो गया, इसका आंसर हो जाएगा कितना? विटामिन क्या होगा? विटामिन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। आवर फूड कॉन्टेंट प्रोटेक्टिव फूड, हमारे भोजन में सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ कौन सा है? वसा और विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और खनिज, विटामिन और खनिज, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। निगेटिव मार्किंग नहीं है, बीपीएससी निगेटिव नहीं रखता है, इसलिए सब क्वेश्चन अटेम्प्ट लीजिएगा। हो गया, अब बात अब छूट गया उसमें भर मत देना, अटेम्प्ट लेने के लिए बोले हैं तो। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, विटामिन और खनिज। अगला है, द एब्सेंस ऑफ विच विटामिन कॉज कैल्शियम डिफिशियंसी ऑफ ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में कैल्शियम की कमी कौन से विटामिन के कारण हो जाता है? कैल्शियम समझते हो ना, हड्डी मजबूत करता है, क्या होगा? ऑप्शन डी, हाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, विटामिन डी। नेक्स्ट हो जाएगा, प्लांट डिफर फ्रॉम एनिमल्स इन हैविंग, जंतु पौधों से क्यों और कैसे अलग होते हैं? लोकोमोशन के कारण, देखो हिंदी कितना डेंजर है इसलिए हिंदी मत पढ़ना, इंग्लिश पढ़ लेना। लोकोमोशन, मेटाबॉलिज्म, लोकलाइज्ड ग्रोथ, कैटाबॉलिज्म। हो गया, इसका आंसर हो जाएगा मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन बी, उपापचयी क्रिया। चलिए नेक्स्ट है, द मेंबर ऑफ रिहोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड एज एल्गी। ये प्रश्न हमने पहले क्लास में ही आपको बताया था, पहला क्लास लिया था, वहां डिस्कस ही कर चुके हैं इस प्रश्न को। रिहोडोफाइसी एल्गी का एक फैमिली है जिसमें कैसे एल्गी आते हैं? ए ग्रीन, बी ब्राउन, सी रेड, डी येलो। हो गया, रिहोडोफाइसी में कैसा आएगा? रेड। कैसा आएगा? रेड। ग्रीन आता है क्लोरोफाइसी में, ठीक है, और ब्राउन आता है फियोफाइसी में, येलो एल्गी नहीं होता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? रेड, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, रेड रिबन एक्सप्रेस इज अ विजुअल एंड मूविंग मीडियम फॉर।
हो गया, आगे बढ़े। इसका आंसर हो जाएगा एड्स के बारे में जागरूकता। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक चिकित्सक द्वारा शरीर के अंग के आंतरिक भागों को देखने के लिए इंडोस्कोप का उपयोग किया जाता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? हो गया, आंसर हो जाएगा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाँ, सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज यूज्ड बाय कंप्यूटेड टोमोग्राफी इंप्लॉय बाय विजुअलाइजेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी? एक्सरे, साउंड वेव, मैग्नेटिक रेजोनेंस, रेडियो आइसोटोप्स? हो गया, हो ही गया होगा, इतना देर क्या करना है। चलो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, एक्सरे। अगला है कोलेस्ट्रॉल इज, कोलेस्ट्रॉल क्या है? अ टाइप ऑफ क्लोरोफिल, बी डेरिवेटिव ऑफ क्लोरोफॉर्म, फैटी अल्कोहल फाउंड इन एनिमल फैट, क्रोमियम सॉल्ट? कोलेस्ट्रॉल क्या है? हो गया, आगे बढ़े। चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, बोलिए, पशु में पाए जाने वाला, एनिमल में पाए जाने वाला फैट है या फैटी अल्कोहल फाउंड इन एनिमल? सी हो जाता है। ये है, डॉक्टर्स रिकमेंड दैट वी शुड कुक आवर फूड इन ऑयल रेदर देन वनस्पति घी बिकॉज, अपना खाना किसमें बनाना चाहिए, तेल में पकाना चाहिए बजाय वनस्पति घी के। वनस्पति घी समझ रहे हो, जो पटना सिटी में होता है, हाँ वही वाला, उसमें खाना नहीं बनाना चाहिए। क्यों? वसा दो प्रकार का होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, तो बस उसी में से कोई एक आंसर है, दिमाग लगाइए बन जाएगा। वनस्पति घी बनाने के लिए निकेल का यूज किया जाता है, ठीक है, किसका यूज किया जाता है, निकेल का यूज किया जाता है, यह भी याद रखना है। हाँ तो वही ठीक कर दीजिए, तेल सस्ता है। क्या हो जाएगा आंसर, बोलिए, हाँ, तेल में क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैट होता है, ठीक है, असंतृप्त वसा, इसलिए पचना उसका क्या है, आसान है, इजिली डाइजेस्ट हुआ, संतृप्त रहता तो, संतृप्त और असंतृप्त समझ रहे हो ना, नहीं समझ रहे हैं, हाँ? अब इस पर कुछ लिखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, लास्ट में याद रखिएगा आप, हाँ? कहां से होगा वो, अच्छा पहले लॉक कर दें। अब यहां से देखो, फैट जो होता है, इस पे ब्लैक कर दे, तो फैट कितने तरह का हो जाएगा, दो तरह का, एक हो जाएगा वसा जिसको बोलते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, और दूसरा हो जाएगा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को बोलते हैं संतृप्त और इसको बोलते हैं असंतृप्त। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, एक बीकर है, ठीक है, और बीकर में आपने क्या भरा है, पानी भरा है, 5 लीटर इसमें पानी है। अब इस पानी की कैपेसिटी है कि यह आधा किलो नमक को या चीनी को अपने अंदर डिजोल्व कर सकता है, ठीक है, और आपने क्या किया, इसमें आधा किलो चीनी डाल करके इसको घोल दिया। अब वो चीनी पूरा कंप्लीट डिजोल्व हो जाएगा, यानी आपके पास विलयन तैयार हो गया। अब आप इसमें 2 ग्राम भी अगर नमक डाल करके घोलना चाहिएगा तो वो नमक नहीं घुल सकता है, वो नमक जाकर के कहां बैठ गया, पेंदी पर बैठ जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो यह सॉल्यूशन कैसा बन गया, सैचुरेटेड, क्या बन गया, सैचुरेटेड। मान लीजिए आप बारात में खाना खाने गए, ठीक है, तो गाड़ी से उतरे तो बेल्ट ढीला करिएगा कि जगह बना रहा है, ठीक है, 3 पूड़ी का भूख है, 13 पूड़ी खा करके उधर से निकलिए, 13 पूड़ी खा करके आइए, तो किसी से क्या कहिएगा कि हम संतृप्त हैं कि असंतृप्त हैं? 13 पूड़ी के बाद अरे संतृप्त रहोगे यार, 3 के 13 खा के आ रहे हो, क्या बोलोगे, संतृप्त हैं, सैचुरेटेड हो गए, माने अब पूड़ी यहां तक है, मुंह खोलने पर पूड़ी दिखाई दे रहा है, तो संतृप्त हो गए है ना, क्या सैचुरेटेड होकर के आ रहे हैं। तो वही हाल यहां पर भी है, बीकर में 500 ग्राम नमक को घोले 5 लीटर के पानी में, तो ये क्या बन गया, सैचुरेटेड। अब इसमें आप कुछ नहीं घुला सकते, 1 ग्राम भी नहीं घुलेगा, पानी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है उसमें आधा किलो नमक या चीनी ही घुल सकता था, वो आपने फिल कर दिया, भर दिया,
ये क्या बन गया, सेचुरेटेड सॉल्ट, सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। अब अनसेचुरेटेड क्या है, जैसे मान लो यहां पर ये बीकर है, इसमें भी पानी कितना है 5 लीटर है, और इसमें क्षमता है कितना चीनी या नमक घुलाने के, 1/2 किलो, और आप में इसमें कितना घोला है, दो मान लो 250 ग्राम, 250 ग्राम ही घोला है, तो ये कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा, अनसेचुरेटेड। यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है तो वो अनसेचुरेटेड है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस खत्म हो गया तो सुपर सेचुरेटेड बन गया। और एक और विलयन होता है सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड के अलावा, सुपर सेचुरेटेड, जिसको अति संतृप्त बोलते हैं, ठीक है। बिहारी टेक्नोलॉजी लगा करके ये बनाया जाता है, जैसे मान लो यहां पर 1/2 किलो नमक डाल करके फुल कर दिया, अब इसमें कोई कहे कि ना हमको 50 ग्राम जब तक चीनी नहीं डालिएगा हम ये जूस पिएंगे ही नहीं, तो बिहारी बुद्धि क्या लगाओगे, इसको क्या कर दोगे, केवल हीट दे दोगे, गर्म दे दोगे, तो इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस बन जाएगा और उसमें जो मात्रा घुलानी है वो घुल जाएगी। तो बिहारी बुद्धि लगाना क्या कहलाता है, सुपर सेचुरेटेड, अति संतृप्त, समझ गए। तो तेल क्या होता है, असंतृप्त, इसलिए उसको पचाना जो होता है वो आसान होता है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन है, फेरोमोन्स आर फाउंड इन इंसेक्ट, स्नेक, बर्ड, बैट, कीड़े, सांप, पक्षी, चमगादड़, हो गया, क्या होगा बोलिए, इंसेक्ट में, कहां होगा, इंसेक्ट में, कीड़ा में। अगला है आयोडीन इज ऑब्टेंड फ्रॉम लेमिनेरिया, पॉलीसिफोनिया, कारा, स्पाइरोगाइडा। आयोडीन को नमक के अलावा कहां से प्राप्त किया जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह, प्लांट किंगडम जब पढ़ाएंगे तो वहां मिलेगा आपको, हो गया। आंसर क्या होगा, लेमिनेरिया ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर नॉट करेक्टली मैच, कौन करेक्टली मैच नहीं है, लैक्टोज खट्टे दूध में, कार्बोनिक एसिड सोडा वाटर में, फॉर्मिक एसिड लाल चींटियों के डंक में, टार्ट्रिक एसिड अंगूर का रस, सही सुमेलित नहीं है, ध्यान से बनाइएगा। हो गया, क्या हो जाएगा, टार्ट्रिक एसिड होता है अंगूर में, नहीं होता है, अरे खट्टा दूध हो गया तो उसमें क्या नहीं रहता है, लैक्टोज शुगर नहीं रहेगा, दूध अगर खराब हो गया तो लैक्टोज शुगर नहीं रहेगा, चीटी काटती है तो उसमें कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, तो फूल जाता है जहां काटती है, सोडा वाटर कार्बोनिक एसिड, तो आंसर हो जाएगा लैक्टोज खट्टा दूध। अगला बनाइए, वाइन उद्योग में अल्कोहलिक किण्वन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कौन सा सूक्ष्म जीव है, वाइन बनाया जाता है जो उसमें फर्मेंटेशन कराया जाता है तो उसमें कौन से सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है, ईस्ट, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरियम, एक्टिनोमाइसिटीज, हो गया, क्या होगा आंसर, बोलो, एक्टिनोमाइसिटीज, डी हो जाएगा आंसर उसका। विच ईस्ट इज यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल माने इथाइल अल्कोहल, शराब को इथेनॉल बोला जाता है, बताइए आंसर, कैंडिडा अल्बिकेस, सैक्रोमाइसी सिरेवेसिया, कैंडिडा सोल्फी, ल्यूकोपोरियम फ्राइजिडियम, थोड़ा उटपटांग क्वेश्चन है यह, फिर भी ट्राई करो, तुक्का मारो, क्या हो जाएगा, कैंडिडा अल्बिकेस, जब ऐसा हो ना तो होता है ना जंतर मंतर पढ़ के मार दो, वी ऑब्टेन चिलगोजा फ्रॉम विच सीड ऑफ स्पेसिज, ये ठीक क्वेश्चन है, चिलगोजा कहां से प्राप्त किया जाता है, पाइन, पाम, साइकस, सिडारी, आगे बढ़े, तुक्का मार दियो ना, हाँ ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, पाम। द येलो कलर ऑफ ह्यूमन यूरिन इज ड्यू टू अ पिगमेंट कॉल्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, द येलो कलर ऑफ ह्यूमन यूरिन इज ड्यू टू अ पिगमेंट कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है यह,
एक्सक्रीशन चैप्टर का आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम, बता दिए तब लिख रहा है का। क्या आंसर होगा? यूरोक्रोम, इसमें गलत दिया होगा, यूरोक्रोम ही होगा, बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में क्या होता है, इसमें से आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सी और डी ध्यान से बनाइएगा, यह दुगो में से एक होगा, सी होगा ना, सी होगा, सी होगा, सी होगा। अनदर नेम ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क, रेयन, डेक्रॉन, फाइबर ग्लास, नायलॉन, कृत्रिम रेशा का दूसरा नाम हो गया, बढ़े आगे, कुछ सब बैठा हुआ है, बढ़िया आगे तब बताते हैं, कलम उठा के बैठा हुआ है सब, भर देंगे दो मिनट में। चलो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फाइबर, फाइबर ग्लास। चलिए बनाइए, डिजीज ऑफ इनर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी आर डायग्नोज्ड थ्रू, आंतरिक रोगों का निदान के लिए क्या उपयोग किया जाता है? कार्डियोग्राफ, इंडोस्कोप, गायरोस्कोप, क्रेस्कोग्राफ। हो गया, क्या होगा आंसर? आंतरिक अंग था ना, कार्डियो, ये होगा जी इंडोस्कोप, इंडोस्कोप बी कर लीजिएगा, कार्डियोग्राफ हार्ट के लिए होता है, इंडोस्कोप बी होगा। विच ऑफ द लिविंग टिश्यू एक्ट एज द कैरियर ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इन हायर प्लांट, ये पढ़ाए थे हम, कल ही पढ़ाए थे। हो गया आंसर? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है ना, फ्लोएम, फ्लोएम बी होगा। चलिए, द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज, बनाइए, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी। हो गया, स्वतः वृद्धि और प्रजनन कौन कर सकता है? बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है, देखिए इसको समझिएगा, देखो रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया भी कैसा करता है, सेक्सुअल की असेक्सुअल, एसेक्सुअल, अमीबा एसेक्सुअल में क्या कर रहा था, बाइनरी फ्यूजन, बैक्टीरिया क्या करता है, मल्टीपल फ्यूजन। एक बार एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन था कि अगर आपके पास एक कप बैक्टीरिया है तो पांच मिनट के बाद वह कितने कप में बदल जाएगा, ठीक है, एसएससी सीजीएल पूछा था कि अगर आपके पास एक कप बैक्टीरिया है तो पांच मिनट में कितने कप में बदल जाएगा, तो बैक्टीरिया हर मिनट अपनी संख्या को दोगुना कर लेता है, तो एक मिनट बाद दो कप, दो मिनट में चार, तीसरे मिनट में आठ, चौथे में सोलह, पांचवें मिनट में 32 कप हो जाएगा। तो बैक्टीरिया जो होता है वह क्या कर लेता है, स्वतः रिप्रोडक्शन कर लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए, मोलासेस इज एन एक्सीलेंट रॉ मटेरियल फॉर, सिरा किसके लिए एक उत्कृष्ट कच्चा माल है, एसिटिक एसिड, ग्लिसरीन, पावर अल्कोहल, यूरिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, हो गया, हो गया ना, चलिए क्या हो जाएगा, पावर, नहीं नहीं एसिटिक एसिड, आंसर ए होगा। चलिए अगला है, इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी इज अ काइंड ऑफ रेडिएशन थेरेपी इन ए ट्रीट, इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी उपचार में एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है, मान इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी जब किया जाता है तो उस समय कौन से रे, कौन सा रे उसमें से निकलता है जिसके माध्यम से उपचार किया जाता है, इनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड का, प्रोस्टेट ग्लैंड मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, गॉल ब्लडर, सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर, किडनी स्टोन। क्या आंसर होगा, लिख लिया है ना, चलिए आंसर क्या हो जाएगा, सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर, कैंसर के उपचार में। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट, तीन चैम्बर का हार्ट किसमें होता है,
लिख लिए हैं। देखो याद रखना है आपको, दो चैंबर का हार्ट याद रखिएगा किसमें होता है, फिश में। किसमें होता है? फिश में। तीन चैंबर का जो हार्ट होता है यह किसमें होता है? रेप्टाइल्स। किसमें होता है? रेप्टाइल्स माने रिंग करके चलने वाले जीवों में होता है। और चार चैंबर्ड का हार्ट जो होता है यह मैमल्स में होता है। किसमें होता है? मैमल्स में, स्तनधारी जीवों में होता है। ठीक है, तो तीन चैंबर का हार्ट सारे रेप्टाइल्स में होता है, एक अपवाद है इसमें, कौन सा? मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल का हार्ट चार चैंबर का होता है, समझ गए? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तीन चैंबर का हार्ट, तो तीन चैंबर का हार्ट रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में नहीं, रेप्टाइल्स के अलावा भी है। तीन चैंबर का हार्ट रेप्टाइल्स और नहीं, फिश, एम्फीबियन, फ्रॉग हो जाएगा, एम्फीबियंस। क्या होगा? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस माने उभयचर, जो जमीन और पानी दोनों पर आता है। आंसर क्या हो जाएगा? फ्रॉग, डी। चलिए अगला क्वेश्चन, टर्माइट्स आर ऑल्सो नोन एज, ये भी बहुत अच्छा कॉमन वर्ड है ये, जो हम लोग बोलने में भी यूज करते हैं। हो गया, क्या आंसर होगा? सफेद चींटी। नैको इज एन ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विथ कैंसर, चाइल्ड हेल्थ केयर, एड्स, नन ऑफ अबव। एक एनजीओ है नैको, वह किसके साथ काम करता है? हो गया, हो गया ना? चलो आंसर क्या हो जाएगा? एड्स। पॉली हाउस इज यूज फॉर, हो गया, पॉली हाउस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बढ़ते हुए पौधों के लिए, अनाज भंडारण के लिए, सब्जियों का भंडारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? जो बढ़ते हुए पौधे होते हैं उनको कंजर्व किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए, ए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट ब्रेन इन पोर्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, शरीर से ज्यादा बड़ा ब्रेन होता है किसका? लिख लीजिए कॉपी में जो होगा आंसर, फिर आते हैं आगे। हो गया, लिख लिए ना सब लोग? आंसर क्या होगा? एंड, चीटी, अंतो लिख दिया इसमें चीटी लिखने के लिए, गूगल ट्रांसलेटर का कमाल है। क्या आंसर होगा? एंट का होगा। चलिए अगला, आंख को जब दान किया जाता है तो आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया, लेंस, रेटिना, पूरा आंख। पूरा आंख, कॉर्निया तो पूरा आंख, गोटी खेलना है उस आंख निकाल के, पूरा आंख दे देंगे। हो गया, लिख लिए? क्या आंसर होगा? कॉर्निया डोनेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट वाज परफॉर्म्ड बाय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हो गया, पहला हृदय प्रत्यारोपण माने दिल दे देने वाला जो मामला था वो कौन किए थे? विलियम ना, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। हाँ, गलत आंसर है, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड कर लीजिएगा, क्रिश्चियन बर्नार्ड, डी होगा। उसके बाद है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेसमेकर, पेसमेकर का उपयोग फंक्शन क्या होता है? हो गया, क्या होगा आंसर बोलो? रक्त को, डी कहां से होगा? दूसरा क्या होगा? बी, दिल के धड़कन को नियंत्रित करता है। देखो गूगल भी, गूगल ट्रांसलेटर में हार्ट को हृदय नहीं लिखता है, दिल लिखता है, लिखना चाहिए हृदय, तो लिख रहा है दिल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल्स फैटिग, हाँ, मांसपेशियों में थकान के लिए जिम्मेवार है? कंफर्म आंसर हो जाएगा? सी, सी, डी होगा। क्या होगा?
डी लैक्टिक एसिड। अब मान लो 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन इससे मिला देते हैं हम, मान लो आपसे अगर प्रश्न पूछ दे कि हड्डियों में जो लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है जिसके चलते मस्कुलर क्रैम्पिंग होता है, उसको तोड़ने में कौन से रे का यूज किया जाता है, 65वीं बीपीएससी 66वीं का क्वेश्चन है जो इसके पहले हुआ था, बोलिए कौन से रे का उपयोग किया जाता है। याद रखना है इंफ्रारेड रे, इंफ्रारेड रे, इंफ्रारेड रे का उपयोग किया जाता है मांसपेशियों में जमा हुए लैक्टिक एसिड को तोड़ने के लिए। जो रिमोट में से रे निकलता है ना, कौन सा रे रिमोट से निकलता है, इंफ्रारेड ही निकलता है, ठीक है, उसी रे का उपयोग किया जाता है लैक्टिक अम्ल को तोड़ने में। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, जलवायु परिवर्तन का सूचक नहीं है। हो गया टेक्टोनिक इंडिकेटर सी, आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड दैट प्लांट एंड ट्री ऑल्सो हैव लाइफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, पौधों में भी जीवन होता है, किसने बताया था, जेसी बोस ने, बी ने, बी ऑप्शन बी, जेसी बोस। अगला है, इट इज हार्मफुल टू स्लीप अंडर ट्री नाइट बिकॉज द ट्री रिलीज, ये बताए थे क्वेश्चन आप लोगों को, क्या होगा आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, ये भी बताया था हमने, क्या हो जाएगा आंसर, लिवेन हॉक, क्या होगा, लिवेन हॉक, डी। अगला क्वेश्चन है, विच वॉज द प्रिंसिपल प्लांट यूज इन ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति में उपयोग होने वाला प्रमुख पौधा, मैक्सिकन वीट, मैक्सिकन वीट, मैक्सिकन गेहूं, डी। खत्म, कितना क्वेश्चन है टोटल, 50, जितना सही है उतना नंबर लिख लीजिए, उतना नंबर आपका आया, और जो गलत होगा उसको क्रॉस कर दीजिएगा, आप लोग ईमानदार हैं। चलिए ऑनलाइन में भी जितने लोग हैं वो सब लोग बताइएगा लिख करके कि कितना नंबर आया, 50 टोटल क्वेश्चन आपने बनाया उसमें कितना नंबर आया, ऑनलाइन वाले लोग भी लिख के बताइए स्क्रीन पे। चलिए 50 से 45 के बीच में कितने लोगों का है, 50 से 45 के बीच में, निगेटिव मार्किंग नहीं करना, निगेटिव मत काटिएगा, 40 से 45 के बीच में, उसमें भी नहीं है जी, 40 से 45 में, सर मेरा 10 रॉन्ग है, अच्छा यानी आपका 40 नंबर है, 40 करे, देखो ऑनलाइन में 40 नंबर आ रहा है, तुम लोग ऑफलाइन में पढ़ रहे हो यार, 40 से अधिक है किसी का ऑफलाइन में, किन्हीं का नहीं है, अभिषेक आनंद 23 आया इनका, 24 चंदा कुमारी ना, 24-23 बढ़िया नंबर नहीं है, 40 से कम आया तो बताने लायक नंबर नहीं है वो भी इस क्वेश्चन में, ठीक है, 35 से 40 के बीच में है कि नहीं कोई, 1 2 3 बस, 3 लोग, 4, हाँ आपको गिन लिया हम, कितना है आपका, 41, हमको अभी से पूछ रहे थे 40 के 45 के बीच में, अच्छा गिन रहे थे, 41 नंबर, तब आप टॉपर हो गए आज के, ऑनलाइन में 40 के आया अभी, शशि प्रभा सर ऑनेस्टली बोल रही हूँ, हाँ जी सब लोग ऑनेस्टली बोल रहा है, समझ रहे, क्लास में सब एक दो बेईमानी किया है बस, आप लोग ऑनलाइन वाले लोग ऑनेस्ट है हम जानते हैं, 40 सही है बहुत है, ठीक है 41 हाईएस्ट है, वो लोग ऑनलाइन वाले लोग कहाँ से मौका मिलेगा, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम